क्या सोच रही हैं आप? मतलब महिला आरक्षण बिल से डरकर आपको टारगेट किया जा रहा है, आपके पिता को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो कभी नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं, वो गैर कांग्रेसी एक फ्रंट बना रहे हैं, और क्योंकि बीजेपी का बहुत ज्यादा स्टेक्स तो तेलंगाना में वैसे भी नहीं है, जब से तेलंगाना का गठन हुआ है आपके पिता की पॉलिटिक्स वहां पर चलती है, तो मतलब आप कभी कहती है चुनाव से लिंक्ड है, कभी आप कह रही है महिला आरक्षण से लिंक्ड है, क्यों कर रहा है ईडी ऐसा, क्यों टारगेट कर रहा है? अगर वाकई टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जो आरोप वो लगा रहे हैं वो बहुत गंभीर है, वो तो कहते हैं मैम कि साउथ इंडिया का लिकर कार्टेल को आप चला रही हैं, ये तो कह रहे हो। ये सारे बिल्कुल बेबुनियादी आरोप है, मुझे लिकर से कुछ लेना देना नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए, जैसे आपने कहा है कि अब टीआरएस जो पहले हमारे नेता का पार्टी है, हमारी पार्टी है टीआरएस था, अब बीआरएस है जो देश भर में काम करने वाला है और लगातार पूरे विपक्ष को एकजुट करने का पूरा पूरा कोशिश हमारे नेता कर रही है। तब से लेके आज तक तो किसी न किसी तरीके से टारगेट कर ही रहे हैं, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पार्टी में, मेरे पार्टी के 15 या 16 लीडर्स पे रेड हुआ है, हमारे पार्टी के जो पार्लियामेंट्री फ्लोर लीडर है उनके एसेट्स भी 200 करोड़ के उन्होंने सीज किया है। तो इस तरीके से हर एक एमएलए पे, हर एक मिनिस्टर पे वो कुछ ना कुछ तरीके से सीबीआई, आईटी, ईडी का चल रहा है, और जैसे मैंने कहा पूरा स्टेट में हमारा ये टारगेटिंग का माहौल चल रहा है। निशाना तो हमारे नेता है, हमारे फादर है केसीआर सर, वो निशाना है, तो बीच में मैं आई एम बिकमिंग वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और द मीडियम टू गेट टू हिम। लेकिन हम तो डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम आंदोलन से एक उभरे हुए नेता है हमारे फादर, और हमने देखा है उनको हर तरीके का मुश्किल झेलते हुए, और ये भी है हम जेल लेंगे, लेकिन भारत की जनता के लिए काम करने का जो हम एस्पिरेशन रखते हैं उसको हम कामयाब करके दिखाएंगे। क्योंकि देखिए आज तेलंगाना में जितना काम हुआ है, हम चाहते हैं देश भर में भी वो काम हो। आज एटलीस्ट 24 आवर्स हर एक गांव में तेलंगाना में पावर आता है, वो कल इंडिया में हर एक गांव में आए, यही हमारी आशा है। पानी आता है हमारे पास 24 आवर्स हर एक गांव में, छोटे गांव में, घर घर में पानी आता है, वो कल देश भर में आ जाए, बस हमारी ऐसे ही छोटे छोटे एस्पिरेशन है, और इसके लिए जरूर हम काम करते रहेंगे। ईडी को मैम अभी पूछताछ आपसे करनी है, लेकिन एक दो सवाल थे छोटे छोटे, अगर आप बता देंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या इंडो स्पिरिट्स में आपका कोई स्टेक है? क्या अरुण पिल्लई आपके करीबी हैं? देखिए पूरा बिजनेस से, ये पूरा जो पॉलिसी है, इश्यू है, इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, दैट इज माय वन सेंटेंस आंसर टू यू। तो आप इसमें इतने डिटेल में आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, फिर भी मेरा तो वही आंसर है, मुझे किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया मैम कि आपके मोबाइल, ये जब 2021 के आसपास जब ये पूरा एलिगेशन है, उस वक्त 10 मोबाइल नंबर्स आपने चेंज किए थे, 10 मोबाइल्स आपने इस्तेमाल किए थे और बदल दिए थे, क्या इस आरोप में दम है मैम? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सारे के सारे मोबाइल अभी मेरे पास पड़े हैं, वो ले सकते हैं, क्योंकि आईफोन आप जानते हो अंजना जी, और सैमसंग आप जानते हो, कुछ ना कुछ नया मॉडल निकलते ही रहता है, और मैं फ़ोन खरीदती रहती हूँ, और मेरे पास जितने भी ईडी ने आरोप लगाया कि फ़ोन नहीं है, वो सारे फ़ोन मेरे पास है, वो जब चाहे जब ले जा सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं यही बोलती हूँ, ईडी जो इतना उतावला हो रहा है मेरा मुद्दा उठाने के लिए, क्यों अदानी जी के 38 शेल कंपनीज पे बात नहीं करती है, क्यों सुमोटो एक्शन नहीं लेती है? ठीक है, अब ये पॉलिटिकली कैसे प्ले आउट होगा मैम, उस पर एक दो सवाल आपसे कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए चुनाव है, क्या लगता है आपको, आपको इससे अगर आप बताएंगे जनता को कि हमें जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है तो इससे फायदा होगा, या फिर भ्रष्टाचार के आरोप अगर लगेंगे तो उससे नुकसान हो सकता है? दूसरी तरफ कांग्रेस को लेकर भी आप लोग अटैकिंग है, ऐसे में विपक्षी एकता का क्या होता है? दोनों सवाल का जवाब देखिए, अगर आप स्टेट इलेक्शन के बारे में बोल रही है, स्टेट इलेक्शन तो बराबर वापस टीआरएस जीत के फुल मेजॉरिटी, बीआरएस जीत के फुल मेजॉरिटी के साथ आ जाएगी, क्योंकि हमने इतना काम किया है लोगों को, और लोगों को फल देखने को आज मिलता है। हमारे हर एक एमएलए क्षेत्र में हमने 1 लाख से ज़्यादा खेतों में पानी दिया है, अभी खेती बाड़ी बहुत अच्छा होती है, इनफैक्ट वी हैव बिकम नंबर 2 इन पैडी प्रोडक्शन अक्रॉस द नेशन जस्ट आफ्टर पंजाब। तो स्टेट इलेक्शन का तो कोई बीजेपी का वहाँ सवाल ही नहीं है, बीआरएस वापस आ रही है। अब नेशनल इलेक्शन का 2024 के बारे में अब बात कर रहे हैं मैम, तो हमारा टारगेट यही है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सरकार ना आए, सारे विपक्ष एकजुट हो जाए और इनको हरा पाए, और इसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार ऑपोजिशन यूनिटी के लिए हमने अभी अभी खम्मम में तेलंगाना में रैली किया था, जहां मुख्यमंत्री बहुत सारे आए थे, और अभी अप्रैल 14 को भी हम एक और रैली कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जो सपोर्ट ले रहे हैं सबका, और सभी एक साथ आ जाएंगे, ऐसे मैं मानती हूँ।
कांग्रेस पार्टी को अपने आप में सोचना चाहिए कि उनका आज की परिस्थिति क्या है। आत्मशोधन जो बोलते हैं ना, इंट्रोस्पेक्शन उनको करना चाहिए, क्योंकि उनको अभी भी अगर लगता है कि हम नेशनल अल्टरनेटिव है भारतीय जनता पार्टी का, तो वो गलत फहमियां पाल रहे हैं। तो उनको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, उनको रीजनल प्लेयर्स के साथ और नए पार्टी जैसे BRS है इनके साथ मिलकर काम करना चाहिए, एक टीम प्लेयर बनना चाहिए, अपना एरोगेंस छोड़ना चाहिए कांग्रेस को। क्योंकि आज देखिए मैम, 4,000 MLAs है पूरे देश में अप्रोक्सीमेटली, तो उसमें सिर्फ 600 MLAs कांग्रेस के है और पूरा पार्लियामेंट में इनका नंबर 52-55 के बीच में है। तो ये स्ट्रेंथ लेके अगर आप 2024 में लड़ने जाओगे तो फिर वापस BJP को आप चांस दे दोगे। तो आप, यू बिकम अ टीम प्लेयर एंड यू वर्क विथ एवरी पार्टी इन एवरी स्टेट। दिस इज माई हम्बल अपील टू कांग्रेस।